हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी 2 दिन से थोड़ी सी मतलब हेल्थ ठीक नहीं थी बिल्कुल भी, तो इसलिए मैं चैनलिंग नहीं कर पा रही थी। अब भी कोल्ड है, ठीक है, लेकिन अभी मुझे फ़िलहाल चैनलिंग करनी है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। ध्यान रखें आप लोग अपना, ठीक है, घर पे रहें, मास्क का यूज़ करें, ठीक है। और अगर जैसे ही कोई मतलब कोल्ड या फिर किसी चीज़ की कोई भी शिकायत आपको लगती है, हेल्थ इशू कुछ लगता है, तो कुछ मतलब कॉफ़ी या चाय वगैरह आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके ना इन चीज़ों को लीजिए अभी, क्योंकि जो कोविड है उसको कंट्रोल करने का ये सबसे अच्छा तरीका है इस वक्त। कि कोविड जो है ना, मतलब वो ऐसा वायरस है, वो डायरेक्ट आपको ना, जब आपको कोल्ड होता है या कुछ भी चीज़ होती है तो आप पे अटैक करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उससे पहले कोशिश कीजिए कि आपका जो कोल्ड है वो कंट्रोल में आ जाए, ठीक है, ऐसी कोई सिचुएशन बनने से पहले, ठीक है। बाकी मुझे कोविड तो नहीं है, ठीक है, लेकिन ये है कि हाँ, थोड़ा सा जुकाम एंड फीवर की शिकायत चल रही है, तो मतलब उसी के लिए थोड़ा रेस्ट वगैरह पे थी। हाँ जी, तो मैं बता रही थी आप लोगों को कि अभी मुझे जो चैनलिंग करनी है, मैं सबसे पहले तो डिवाइन फेमिनाइंस के लिए ही मैसेज देना चाहती हूँ कि सभी डिवाइन फेमिनाइंस से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वक्त कार्मिक से जो कार्मिक्स आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो या पर्संस के रूप में हो या आपके डिस्टॉर्टेड ट्विन के रूप में आपकी एनर्जी से जुड़े हुए हों, ठीक है, स्टॉप कीजिए उस चीज़ को। क्योंकि जो लोग स्टॉप कर चुके हैं उनको भी कार्मिक्स अट्रैक्ट कर रहे हैं वापस से, ठीक है, क्योंकि ये उनके टेस्ट हैं। बट अगर तो आप अब भी उस बॉन्ड में हैं तो उससे निकलिए। अगर नहीं निकलते हैं तो आप अपनी जर्नी को डिले कर रहे हैं, ठीक है। यही चीज़ें हमें मतलब सीखनी है कि फ्लो में कैसे रहना है, कहीं अटक के नहीं रहना। कभी पानी को देखा है मतलब आपने कि वो बह रहा हो और कहीं रुक गया हो, अगर कोई चीज़ आ जाए, कोई दीवार आ जाए या कुछ भी आ जाए, नहीं, वो अपना रास्ता बनाता चले जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने उसको ये चीज़ सिखाई हुई है कि उसका अपना एक फ़्लो है जिसमें उसे रहना है, ठीक है। तो वो ही चीज़ आपको करनी है कि आपको अपने फ़्लो में रहना है, आपको अपना फ़्लो नहीं टूटने देना है, ठीक है। तो कार्मिक्स अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी क्लैरिटी मिली थी न्यू बिगनिंग से पहले इन्हीं कार्मिक्स से, इन्हीं कार्मिक रिलेशन से, ठीक है, डिस्टॉर्टेड ट्विन से, सभी ट्विन फ्लेम्स में से कुछ ट्विन फ्लेम्स जिनकी न्यू बिगनिंग होनी थी उनके साथ ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो प्लीज़ कार्मिक बैगेज से बचिए, वापस से कनेक्ट मत होइए, अदरवाइज़ आप अपनी अवेकनिंग स्टॉप करेंगे, ठीक है, चीज़ें स्टॉप कर देंगे, डिले कर देंगे खुद ही। और आपको पता है कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो आप चाहें तो 6 मंथ्स में भी कंप्लीट हो जाती है, वो आपके फोकस पे डिपेंड करता है, और आप चाहें तो 10 से 15 साल भी लगा सकते हैं एक ही जर्नी में, या कह सकते हैं आप पूरी लाइफ भी आप एक ही जर्नी में लगा सकते हैं, और आपको कुछ चीज़ें कंफ्यूज भी करेंगी उस बीच में, ठीक है। अब मैं कुछ चीज़ और बता रही हूँ, इस वक्त क्या हो रहा है, डिवाइन फेमिनाइंस को कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न इस तरीके के हो रहे हैं क्योंकि उनकी लाइफ में जो कार्मिक्स हैं वापस से अट्रैक्ट हो रहे हैं, और अब उनकी जो लाइफ फ्लो में चल रही है उनको ऐसा लग रहा है कि कार्मिक्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, मीन कहीं यही तो हमारे ट्विन नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं वैसा तो नहीं। देखिए, पहली बात तो मैं चीज़ें क्लियर कर देती हूँ आप लोगों को, अगर तो ऐसा होता यूनिवर्स, फिर आज जो सिचुएशन है ना वो आने ही नहीं देते। जो कार्मिक्स ने क्लैरिटी दी वो आने ही नहीं देते। यूनिवर्स के प्लान्स को समझो, यूनिवर्स तुम्हारे टेस्ट लेते हैं। एक मतलब होता है ना,
आप जब सीमा पर सिपाही बनकर जाते हो, ठीक है, और मतलब आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां दी जाने वाली होती हैं, बहुत सारी चीज़ें की जाने वाली होती हैं, तो आपके कितने टेस्ट होते हैं, समझ रहे हो ना? आपको हर तरीके से मेंटली, फिजिकली, सब तरीके से आपको चेक किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है कि आप वापस से वो जो नेगेटिव कर्माज और ये सारी चीज़ें और इल्यूजन, इन सब में फंसने वाले तो नहीं है, आप फ्लो में आए हैं या नहीं आए, तो वो सारे टेस्ट होते हैं आपके, ठीक है। तो इस वक्त मैं दो चीज़ें क्लियर कर रही हूँ इस मैसेज में। पहला, अपने कार्मिक बैगेज से बचिए और कार्मिक कर्मा क्रिएशन से बचिए, अदरवाइज ये जो कर्मा क्रिएशन है ये आपको आपकी जर्नी में डिले करने में बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, आप अपनी जर्नी में डिले करेंगे, ठीक है, यूनिवर्सल प्लान्स को आप स्टॉप करेंगे, ठीक है, तो इस चीज़ से बचिए। बस यही मैसेज मुझे आप लोगों को इस वीडियो में देना था। टेक केयर फ्रेंड्स, ध्यान रखिए अपना, गॉड ब्लेस यू ऑल।